हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास। ये क्लास 6 के लिए वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर एंड इट्स लैंग्वेज, जो भी अभी डिस्कस करने जा रहे हैं उसका सारा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में पहले ही ग्रुप में भेजा जा चुका है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। डेटा प्रोसेसिंग एट द रेट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स है, ठीक है। तो आओ इसको हम लोग समझते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलोडेड और गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस मल्टीपल ऑफ इंफॉर्मेशन। मल्टीपल टाइप्स का इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए पहले से जो लोडेड है इंस्ट्रक्शन, या फिर कोई हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, उस तरह से ये कंप्यूटर काम करता है। विच कैन बी स्टोर, जो क्या कर सकता है उसको वो स्टोर भी कर सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर में इंसर्ट किए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कंप्यूटर को, ठीक है, उसको वो स्टोर कर सकता है और रिट्रीव कर सकता है, मतलब फिर से वो फाइल हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग को उसका ज़रूरत होगा, ठीक है। और ये बना हुआ किससे होता है, इट इज मेड ऑफ सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट फंक्शन टुगेदर एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट जिस तरह का इंफॉर्मेशन, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी तरह से वो फॉलो करेगा, ठीक है। टू सेव रिजल्ट और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर क्या करेगा, उसको हाई बहुत स्पीड में और सही सही रिजल्ट हम लोग को देगा डेटा का प्रोसेस करके, ठीक है। डेटा प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को वो यूजर के थ्रू एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इट एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर और उसके बाद क्या करता है, डज अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कंपेरिजन ओवर इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में हम लोग को वो रिजल्ट देता है कंप्यूटर, क्या करने के बाद, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिकल कैलकुलेशन मतलब क्या हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, उसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और लॉजिकल कंपेरिजन जैसे कि एंड और नॉट, ठीक है, इस तरह का ऑपरेशन करने के बाद वो आउटपुट डिवाइस में भेज देता है, ठीक है। तो तीन स्टेप्स में कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो इनपुट में क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। इनपुट मींस फीडिंग ऑफ रॉ डेटा इनटू द कंप्यूटर। रॉ डेटा मतलब जैसे 1 2 3 4 5 या फिर ABCD, इस तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। फीड मतलब वो एक्सेप्ट करना, या फिर हम लोग जो फीड किए जो दिए हम लोग, ठीक है। वन कैन फीड डेटा थ्रू इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के थ्रू ही इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट लेता है कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद आता है आउटपुट। आउटपुट इज द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन या फिर रिजल्ट दैट इज रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा। रॉ डेटा का प्रोसेस करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस से ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, इन सभी चीज़ों से हम लोग को आउटपुट मिलता है ना। मॉनिटर में हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, प्रिंट आउट होके आता है पेपर में, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन इज रिसीव थ्रू द आउटपुट डिवाइस, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग जैसे कि अभी बताया ना, इनपुट डिवाइस के थ्रू जैसे ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाता है सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू उसमें जो भी काम करना होता है, चाहे लॉजिकल काम करना होता है या अर्थमेटिकल काम करना होता है या कंपेरिजन करना होता है या कुछ डिसीजन लेना होता है, वो प्रोसेस करता है सीपीयू में, उसके बाद फिर वो आउटपुट डिवाइस में भेज देता है, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करेगा। इट इंक्लूड कैलकुलेशन, उसमें क्या क्या कर सकता है, कैलकुलेशन, कंपेरिजन, डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारा चीज करता है। प्रोसेसिंग इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम्स।
जो भी परफॉर्मेंस होता है वो पहले से ही इंफॉर्मेशन या फिर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है उसके थ्रू ही करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, इट इज डन इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के अंदर ही ये सारा काम किया जाता है। ठीक है, पहले ही हम बोल चुके थे कि इनपुट से इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन हम लोग जैसे ही देते हैं वो तुरंत उसको प्रोसेसर में भेज देता है इनसाइड द सीपीयू। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे देखते हैं, द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स। तब फंक्शनल कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है सीपीयू का, सीपीयू के अंदर काम करता है तो उसमें कौन कौन सा चीज मिला हुआ था, कौन कौन मिलकर ये सारा काम या फिर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सबसे पहला है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा होता है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में क्या क्या होता है, एंड और नॉट। ठीक है, उसके बाद होता है इंटरनल डेटा मूवमेंट्स, इंटरनल डेटा मूवमेंट्स मतलब इंटरनली वो डेटा एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स, रैम से रोम, रोम से रैम या फिर स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इस तरह से मूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन जैसे कि एक्सेप्टिंग डेटा, एक्सेप्टिंग मतलब डेटा को वो रिसीव करता है कौन, सीपीयू विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस। उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद स्टोरिंग, स्टोरिंग इन द सेंस कि डेटा को कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस में सेव करके रखता है। जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है दैट इज कॉल्ड जनरेटिंग इन्फॉर्मेशन। आगे हम लोग इसके बारे में फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।